जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राम मनोहर लोहिया जी के बारे में, जिन्होंने अपना राजनीति के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राम मनोहर लोहिया स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर समाजवादी और सम्मानित राजनीतिज्ञ थे। राम मनोहर लोहिया जी ने हमेशा सत्य का अनुकरण किया और आजादी की लड़ाई में अद्भुत काम किया। भारत की राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने दम पर राजनीति का रुख बदल दिया। उन्ही नेताओं में से राम मनोहर लोहिया भी हैं। वे अपनी प्रखर देशभक्ति और तेजस्वी समाजवादी विचारों के लिए जाने गए और इन्ही गुणों के कारण अपने समर्थकों के साथ साथ उन्होंने अपनी विरोधियों से भी बहुत सम्मान हासिल किया। इनका जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। उनकी माँ एक शिक्षिका थी। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनकी माँ का निधन हो गया था। अपने पिता से, जो एक राष्ट्रभक्त थे, उन्हें युवा अवस्था में ही विभिन्नता रैलियों और विरोध सभाओं के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेने की प्रेरणा मिली। उनके जीवन में नया मोड़ तब आया जब एक बार उनके पिता, जो महात्मा गांधी के घनिष्ठ अनुयायी थे, गांधी से मिलने के लिए राम मनोहर को अपने साथ लेकर गए। राम मनोहर गांधी के व्यक्तित्व और सोच से बहुत प्रेरित हुए और जीवन पर्यंत गांधी जी के आदर्शों का समर्थन किया। वर्ष 1921 में वे पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहली बार मिले और कुछ वर्षों तक उनकी देखरेख में कार्य करते रहे, लेकिन बाद में उन दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों और राजनीतिक सिद्धांतों को लेकर टकराव हो गया। 18 साल की उम्र में वे वर्ष 1928 में युवा लोहिया ने ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए प्रदर्शन का आयोजन किया। उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद इंटरमीडिएट में दाखिला बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कराया। उसके बाद उन्होंने वर्ष 1929 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और पीएचडी करने के लिए बर्लिन विश्वविद्यालय जर्मनी चले गए, जहां से उन्होंने वर्ष 1932 में इसे पूरा किया। वहां उन्होंने शीघ्र ही जर्मन भाषा सीख लिया और उनको उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए वित्तीय सहायता भी मिली। लोहिया ने हमेशा भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी से अधिक हिंदी को प्राथमिकता दी। उनका विश्वास था कि अंग्रेजी शिक्षित और अशिक्षित जनता के बीच दूरी पैदा करती है। कहते थे कि हिंदी के उपयोग से एकता की भावना और नए राष्ट्र के निर्माण से संबंधित विचारों को बढ़ावा मिलेगा। वे जात पात के घोर विरोधी थे। उन्होंने जाति व्यवस्था के विरोध में सुझाव दिया कि रोटी और बेटी के माध्यम से इसे समाप्त किया जा सकता है। वे कहते थे कि सभी जाति के लोग एक साथ मिलजुल कर खाना खाएं और उच्च वर्ग के लोग निम्न जाति की लड़कियों से अपने बच्चों की शादी करें। इसी प्रकार उन्होंने अपने यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी में उच्च पदों के लिए कुछ चुनाव के टिकट निम्न जाति के उम्मीदवारों को दिया और उन्हें प्रोत्साहन भी दिया। वे ये भी चाहते थे कि बेहतर सरकारी स्कूलों की स्थापना हो, जो सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान कर सके। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की उनकी बचपन से ही प्रबल इच्छा थी, जो बड़े होने पर खत्म नहीं हुई। जब वे यूरोप में थे तो उन्होंने वहाँ एक क्लब बनाया जिसका नाम एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन इंडियंस रखा, जिसका उद्देश्य यूरोपीय भारतीयों के अंदर भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति जागरूकता पैदा करना था। उन्होंने जिनोवा में लीग ऑफ नेशंस की सभा में भी भाग लिया। यद्यपि भारत का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश राज्य के एक सहयोगी के रूप में बीकानेर के महाराजा द्वारा किया गया था, परंतु लोहिया इसके अपवाद थे। उन्होंने दर्शक गैलरी के विरोध प्रदर्शन शुरू किया और बाद में अपने विरोध के कारणों को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने समाचार पत्र और पत्रिकाओं के संपादकों को कई पत्र लिखे। इस पूरी घटना ने रातों रात राम मनोहर लोहिया को भारत में एक सुपरस्टार बना दिया। भारत वापस आने पर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की आधारशिला रखी। वर्ष 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का पहला सचिव नियुक्त किया। 24 मई 1939 को लोहिया को उत्तेजक बयान देने और देशवासियों से सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करने के लिए पहली बार गिरफ्तार किया गया और युवाओं के विद्रोह के डर से उन्हें अगले ही दिन रिहा कर दिया गया। हालांकि जून 1940 में उन्हें सत्याग्रह नाव नामक लेख लिखने के आरोप में उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और 2 वर्षों के लिए कारावास भेज दिया गया। बाद में उन्हें दिसंबर 1941 में आजाद कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वर्ष 1942 में महात्मा गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद और वल्लभ भाई पटेल जैसे कई शीर्ष नेताओं के साथ उन्हें भी कैद कर लिया गया था। इसके बाद भी वे 2 बार जेल गए। एक बार उन्हें मुंबई में गिरफ्तार कर लाहौर में भेजा गया था और दूसरी बार पुर्तगाली सरकार के खिलाफ भाषण और सभा करने के आरोप में गोवा। जब भारत स्वतंत्र होने के करीब था तो उन्होंने
जिन्होंने दृढ़ता से अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से देश के विभाजन का विरोध किया था। आजादी के दिन जब सभी नेता 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में इकट्ठा हुए थे, उस समय वे भारत के अवांछित विभाजन के प्रभाव के शोक की वजह से अपने गुरु महात्मा गांधी के साथ दिल्ली से बाहर थे। आजादी के बाद भी वे राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ही अपना योगदान देते रहे। उन्होंने आम जनता और निजी भागीदारों से अपील की कि वे कुआं, नहरों और सड़कों का निर्माण कर राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए योगदान में भाग लें। 3 आना 15 आना के माध्यम से राम मनोहर लोहिया ने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर होने वाले खर्च की राशि एक दिन में 25,000 रुपए के खिलाफ आवाज उठाई, जो आज भी चर्चित है। उस समय भारत के अधिकांश जनता की एक दिन की आमदनी मात्र 3 आना ही थी, जबकि भारत की योजना आयोग के आंकड़े के अनुसार प्रति व्यक्ति औसत आय 15 आना था। लोहिया ने उन मुद्दों को उठाया जो लंबे समय से राष्ट्र की सफलता में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने अपने भाषण और लेखन के माध्यम से जागरूकता पैदा करने की, गरीबी और अमीर की खाई, जातिगत असमानताओं और स्त्री पुरुष असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने कृषि से संबंधित समस्याओं के आपसी निपटारे के लिए हिंद किसान पंचायत का गठन किया। वे सरकार की केंद्रीकृत योजनाओं को जनता के हाथों में देकर अधिक शक्ति प्रदान करने के पक्षधर थे। अपने अंतिम कुछ वर्षों के दौरान उन्होंने देश की युवा पीढ़ी के साथ राजनीति, भारतीय साहित्य और कला जैसे विषयों पर चर्चा किया। राम मनोहर लोहिया जी का निधन 57 साल की उम्र में 12 अक्टूबर सन 1967 को नई दिल्ली में हुआ था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।